आज कैसे जमीन की बुनियादें हिलने लगी देश के अंदर, जिस बाबा साहब से नफरत किया करते थे आज वो लोग वोट की खातिर बाबा साहब के तेल चित्त को कंधे पर लेके घूम रहे हैं। अरे हम तो खुश होते हैं जब 50 साल पहले भी बाबा साहब के तेल चित्त को कंधे पर लेकर उठते। अरे बाबा साहब ने कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया था, बाबा साहब ने इस देश को बढ़ाने के लिए और इस देश के हर एक नागरिक को समानता का मूल मंत्र देकर इस समानता जिंदगी जीने के लिए अधिकार के लिए लड़ाई दी थी। आज काश बाबा साहब हमारे बीच में तो नहीं है, हमें खुशी होती है बहुत सरकारें थी बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया था, पर धन्य बाबा साहब आज जो दबे कुचले लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो जागृत हुए हैं, सत्ता शासन की ओर बढ़े हैं। धन्य वो लोग जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं था, आज पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के बाद में जब उनको राजनीति का ज्ञान हुआ है तब इनकी जड़ें हिलने लगी हैं, तब इनको बाबा साहब याद आए हैं। धन्य मान्यवर कांशीराम साहब, काश आज नहीं होते तो हम भी इस मंच से नहीं बोल रहे होते। पर चिंता मत करो मित्रों, आप लोगों ने आगरा में 6-6 MLA दिए हैं और MLA आपके साथ रहे हैं, पार्टी के सभी नेता आपके साथ रहे हैं, चिंता मत करो सरकारें तो आती है आती रहेंगी, बड़े बड़े नेता भी हारे थे, चाहे PM हो या CM हो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जो बहुजन समाज पार्टी को जनता याद करेगी।